अरे ये अंबेडकर है कौन जिसका हर 14 अप्रैल को ये लोग उत्सव मनाते हैं, हर बड़े बड़े प्रदर्शन में जय भीम का नारा लगाकर अपने हक और आजादी मांगते हैं। अंबेडकर, अंबेडकर तो दलितों का नेता है। अंबेडकर वही है जिसने वो संविधान को कॉपी कर करके लिखा था, वही है अंबेडकर। अबे ओ चुप, उस इंसान के बारे में भ्रांतियां फैलाने से पहले जरा एक बार उसको जान ले वो है कौन। सुन, उस एक इंसान ने भारत में प्रथम लड़कियों को और स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी के हक देने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा था। उस एक इंसान ने भारत में नौकरी करने वाली गर्भवती औरतों के लिए वेतनी छुट्टी का हक दिया। उस एक इंसान ने लड़कियों को लड़कों के बराबर समानता मिला के दी, लड़कियों को पढ़ने का हक अधिकार दिलाया। उस एक इंसान ने लड़कियों को प्रॉपर्टी में लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी दी, लड़कियों को नौकरी में भी भागीदारी दी। अरे उस एक इंसान ने एक पति के लिए एक पत्नी का अधिकार और दूसरी पत्नी के आते ही अपने पति से हिस्से का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार उनको दिलाया। अरे उस एक इंसान ने अपने शोषण के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार दिया, उस एक इंसान ने अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार दिया, उस एक इंसान ने पूरे देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, उस एक इंसान ने ही भारत में पहली बार अर्थशास्त्र की नींव रखी थी, उस एक इंसान ने भारत में बाल मजूरी पर रोक लगाई, उस एक इंसान ने भारत से ऊंच नीच जातिवाद की गुलामी से लोगों को मुक्त कराया, उस एक इंसान ने इस देश के 85% दलित मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को समानता का अधिकार दिलाया। अरे उस एक इंसान ने इस देश की अछूत गरीब 85% जनता को उच्च वर्ग के साथ लाके खड़ा कर दिया, उसी एक इंसान ने दलितों पर से अलग अलग तरह के प्रतिबंध हटाए, सभी को समान अवसर एवं सुविधा उपलब्ध कराई, उसी एक इंसान ने सभी को अपना अपना धर्म स्वयं चुनने की आजादी दी है, उस एक इंसान की वजह से देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार मिला हुआ है, उस एक इंसान ने इस देश की फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारने के लिए दी प्रॉब्लम ऑफ दी रुपी एक पुस्तक लिखी, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए और इस बैंक की स्थापना इस देश के अंदर में हुई और वो इस देश का पहला सार्वजनिक बैंक था। अरे उसी एक इंसान की वजह से जो मजदूर जो नौकरी करने वाले पहले 12-12 घंटे तक काम करते थे उन्हें घटाकर 8 घंटे कराने वाला वो एक ही इंसान है, और अगर किसी ने 8 घंटे से ज्यादा काम किया तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देना ही पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सरकारी शिक्षक की सैलरी बहुत ज्यादा होती है जबकि इतना काम उसका नहीं होता है, तो उस एक इंसान ने कहा था कि शिक्षक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए उनको वेतन ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया। अरे मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका देश भी उनके लिखित अर्थशास्त्र पर चलता है। अरे उस इंसान ने अपनी जिंदगी में इतनी अचीवमेंट हासिल करी, उनको 4 ऐसे रत्न 4 ऐसे अवार्ड मिले जिनको सुनकर आपका मन गौरवान्वित हो जाएगा। पहला भारत रत्न उन्होंने जीता, सेकंड द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दिया, एंड थर्ड द यूनिवर्स मेकर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया, एंड फोर्थ द ग्रेटेस्ट इंडियन CNN IBN एंड हिस्ट्रिकल TV ने दिया। वो एक इंसान डॉक्टर अंबेडकर है, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका हर 14 अप्रैल को पूरे जोश और उत्साह के साथ में जिनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं उस एक महान इंसान के जिंदगी के कुछ खास पहलू आपके साथ साझा करता हूं। पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के वो पहले महापुरुष थे। लंदन विश्वविद्यालय के पूरी लाइब्रेरी के किताबों की छानबीन कर उनकी जानकारी रखने वाले एकमात्र वो महामानव थे। लंदन विश्वविद्यालय के 200 छात्रों में नंबर 1 का छात्र होने का सम्मान प्राप्त होने वाले वो पहले भारतीय थे। विश्व के 6 विद्वानों में से एक उनकी भी गिनती होती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य और बड़ा गौरव होगा कि पूरे विश्व में सबसे अधिक पुतले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही हैं।
मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा। अरे लंदन विश्वविद्यालय में डीएससी यह उपाधि पाने वाले पहले और आखिरी भारतीय डॉक्टर अंबेडकर ही थे। लंदन विश्वविद्यालय का 8 साल का कोर्स, 8 साल का सिलेबस वो 3 सालों में पूरा करने वाले महामानव वो एक ही थे, डॉक्टर अंबेडकर। और अगर मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में दुनिया अपने क्या विचार रखती है तो सुनिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा कहते हैं, अगर वो हमारे देश में जन्मे होते तो हम उन्हें सूर्य कहकर बुलाते। पाकिस्तान में एक ही भारतीय की जयंती मनाई जाती है और वो है सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर। नेल्सन मंडेला कहते हैं, भारत के पास से सिर्फ एक ही चीज लेने लायक है और वो है भारत का संविधान, जिसे कुछ तुच्छ गोमूत्र सेवन करने वाले लोग कॉपी पेस्ट और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। ये जो पूरी वीडियो में मैंने आपको इनके काम, इनकी मेहनत, इनका संघर्ष बताया है, ये भी सिर्फ एक ट्रेलर है। इनकी जिंदगी बहुत बड़ी थी, बहुत संघर्षशाली थी, जिसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटे की भी वीडियो कम पड़ जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि डॉक्टर अंबेडकर को एक महान व्यक्तित्व, एक महान इंसान बनाती है, जिसने इस देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया, जो कि सबसे बड़ी बात है। 129वीं 14 अप्रैल की आप सभी को हार्दिक बधाइयां और आने वाले हर 14 अप्रैल की हार्दिक बधाइयां। आप इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हमारे बहुजन मूल निवासी के साथ साथ इस देश के समस्त लोगों को यह पता चल सके कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं, वो इस देश के नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता नहीं, वो इस विश्व के नेता हैं। एक विश्व के इस वीडियो को आप फैला दो ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन हो सके, जानकारी हो सके। मैं प्रशांत बोध, मैं विदा लेता हूं और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।